हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्तक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी वीवो के S1 मॉडल में यदि आपके इसमें हेडफोन का लोगो आए, ठीक है, यदि ये ईयरफोन का लोगो की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो हेडफोन का लोगो क्यों आता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारे मोबाइल में ईयरफोन का लोगो लगता कैसे है, तो उसको हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, इसमें जो वीवो S1 में खास करके कोई किसी मॉडल में रहता है, किसी में नहीं रहता है, इसमें जो इसका कनेक्शन है वो सीधा हमारा CPU से रहता है, इसलिए यहाँ पर इसमें सोच समझ के काम करें, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले वीडियो को अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद ही अपने मोबाइल में वर्क करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ईयरफोन का लोगो आता कैसे है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे ईयरफोन के अंदर जो ये वाली पिन होती है, ये वाली पिन है, वो है हमारी इसकी डिडक्शन की लाइन D, जिसको मैं लिख लेता हूँ। D मतलब होता है डिडक्ट। और उसके बाद में जो ये वाली लाइन है, वो तो है हमारे ईयरफोन के अंदर जो राइट साइड का स्पीकर होता है, ये वाली लाइन है। और जो ईयरफोन के अंदर जो लेफ्ट साइड का स्पीकर होता है, वो वाली ये वाली लाइन है। अब दोस्तों, हमारे ईयरफोन का लोगो लगता कैसे है? जब ये डिडक्शन हमारे मतलब ऑटोमेटिक ईयरफोन का लोगो क्यों आता है? जब ये डिडक्शन लाइन कहीं से ग्राउंड से शॉर्ट हो जाती है, मतलब जो ये माइनस वाली पिन है, इस माइनस वाली पिन के साथ अगर कहीं पर भी जो ये लाइन हमारी IC तक जो जा रही, CPU तक जो जा रहा है, अगर बीच में से कहीं भी अगर ये माइनस से शॉर्ट हो जाती है, तो हमारे ईयरफोन का लोगो आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका जो वेज है वो मैं आपको बताऊँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इसको चेक करना है। ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधा बताऊँ। दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो डिडक्शन की लाइन है, वो हमारे यहाँ पर आ जाती है इस कनेक्टर के यहाँ पर, देख सकते हैं। जो इधर से जब आप काउंट करोगे तो 10 नंबर पिन है, जब आप 10 नंबर पिन काउंट करोगे तो ये वाली पिन आएगी 10 नंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस 10 नंबर पिन पर आ जाती है, ठीक है। और उसी तरीके से दोस्तों, ये हमारे जो ये मेन कनेक्टर है यहाँ पर, देख सकते हैं मेन बोर्ड का, उसकी जब आप इधर से काउंट करोगे तो ये 10 नंबर पिन ये वाली है, इस 10 नंबर पिन पर यहाँ पर इसकी सप्लाई आ जाती है, ठीक है। 10 नंबर पिन मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 10 नंबर पिन, ठीक है। इस पर हमारी इसकी सप्लाई आती है, और इसके बाद दोस्तों किसी में कनेक्शन कुछ नहीं होता है, सीधा हमारा CPU से रहता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँ इसमें ईयरफोन का लोगो आ क्यों रहा है। देखो, वो आपको फिजिकल तौर पर चेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सीधा मैं बताऊँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, केवल इस CC बोर्ड को अपने मोबाइल से बिल्कुल अलग कर लेना है। जब आप अलग करोगे, उसके बाद आपको मोबाइल को ऑन करके देखना है कि इसमें ईयरफोन का लोगो हटा हुआ है या नहीं हटा है, ये आपको चेक कर लेना है। अगर उसके बाद भी ईयरफोन का लोगो आ रहा है, उसके बाद भी ईयरफोन का लोगो नहीं हटा है, ठीक है, ईयरफोन का लोगो नहीं हटा है, तो समझ लीजिए आपका ये CC बोर्ड ख़राब नहीं है, CC बोर्ड ओके है। अगर आपका ईयरफोन का लोगो हट जाता है, तो आप इसको CC बोर्ड को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फिजिकल तौर पर आप ये चेक कीजिए कि आपका यहाँ पर ईयरफोन के अंदर से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, वो आप कंडीशन देकर आप पता लगाइए। और उसके बाद ये चेक कीजिए कि जो ये 10 नंबर पिन है, ये आपस में कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रही, यहाँ पर आसपास की पिनों से नहीं शॉर्ट तो नहीं, वो आपको चेक करना है। और उसके बाद ये कंडीशन क्या रहती है, अगर ये CC बोर्ड आपने हटा दिया, उसके बाद भी ईयरफोन का लोगो नहीं हट रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसके मेन पत्ते को निकालना है, उसके बाद मेन पत्ते को निकालना है, ठीक है। जब जो यहाँ से कनेक्ट होता है, इन दोनों कनेक्टर को जो कनेक्ट करता है, उस पत्ते को आपको निकाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि ईयरफोन का लोगो हटा या नहीं हटा। अगर उसके बाद आप हट जाते हैं, तो आप उसको मेन पत्ता आपको चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर उसके बाद भी नहीं हटता है, तो फिर आप यहाँ पर ये 10 नंबर पिन चेक कीजिए कि ये कहीं से ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर भी दोस्तों शॉर्टिंग नहीं आ रही, शॉर्ट नहीं हो रही है, तो फिर आप यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर यहाँ पर इस वाली पिन पर बीप आ रही है, तो उसका कनेक्शन सीधा हमारा इस CPU से होता है। दोस्तों, उसमें आपको CPU रिबॉल करना पड़ सकता है, और रीडिंग चेक कर ले, रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही, तो अगर रीडिंग नहीं आती, तो भी फिर हमारे CPU पर ही काम करना होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, CPU से बहुत कम कंडीशन में आता है दोस्तों, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ईयरफोन का लोगो लगता कैसे है, और आपको उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बता देता कि ये करो वो करो, लेकिन दोस्तों मैं जो सोल्यूशन बताता हूँ, वो 100% प्रॉपर सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, जो लोग वीडियो में बता रहे हैं, हो सकता है उनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है या नहीं है,
उसको कंफर्म करने के लिए मैंने हर एक तरह का हर एक कंडीशन का मैंने आपको बता दिया। पहले सीसी बोर्ड हटाइए, उसके बाद मेन पत्ते को हटाइए, उसके बाद वो चेक कीजिए, सब बता दिया है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों कमेंट भी ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।